अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद आमिर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बर्ड्स इन्फो। तो आज हम बात करने वाले हैं कि बर्ड्स को गर्मी से कैसे बचा सके, क्योंकि अक्सर लोगों को पता नहीं होता कि गर्मी के मौसम में कौन सी चीज़ देनी चाहिए बर्ड्स को और कौन सी नहीं, क्योंकि अगर उनको पता नहीं होगा तो वो अपने बर्ड्स को नहीं बचा सकेंगे, वो गर्मी का शिकार हो के मर जाते हैं। और इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल बर्ड्स इन्फो को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपके पास आसानी से पहुंच सके। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। इस वीडियो में मैं आपको तीन स्टेप बताऊंगा। अगर आपने ये तीन स्टेप प्रॉपर तरीके से फॉलो किए तो आप अपने बर्ड्स को गर्मी से बचा सकेंगे। तो सबसे पहले आपने अपना केज वहाँ पर रखना है जहाँ पर प्रॉपर छांव मिल सके बर्ड्स को। अगर छांव नहीं भी मिल रही तो आपने घबराना नहीं है, आपने उस केज के आगे एक बारीक छोटा सा कपड़ा लगा देना है। होता यह है कि वो चादर आपके बर्ड्स को गर्मी से या आपके बर्ड्स को छांव देगी, जिसकी वजह से आपके बर्ड्स गर्मी से बच सकेंगे। नंबर दो, आपने अपने केज के अंदर एक खुला बर्तन रखना है, जिससे होता यह है कि आप छोटा सा बर्तन रख देते हैं, पानी उसमें डाल देते हैं, वो सिर्फ पानी पीते हैं और उसमें नहा नहीं सकते। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने केज के अंदर एक खुला बर्तन रखना है, जिससे होता यह है कि आप जब पानी उसमें ठंडा डालेंगे तो जब बर्ड्स को गर्मी महसूस होगी तो उसके अंदर जाके वो नहाएंगे और अपनी गर्मी को दूर भगा सकते हैं। नंबर थ्री में हम फीड को डिस्कस करेंगे। अक्सर लोगों को पता नहीं होता ना कि मौसम में गर्मा या इस मौसम में कौन सी फीड देनी चाहिए और कौन सी नहीं, वो गलत तरीके से फीड वगैरह दे देते हैं, जिसकी वजह से वो अपने बर्ड्स को मौत के कुएं के अंदर धकेल देते हैं। ये नहीं होना चाहिए, अल्लाह करे कि साहब के बर्ड्स अपने अल्लाह अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। तो बात करते हैं कि इस मौसम में आपने सॉफ्ट फीड का खसूसन खसूस ख्याल रखना है। आपने पालक, मकई, बॉयल किए हुए दाने और सूरजमुखी वगैरह इस मौसम में आप दे सकते हैं। अगर मुनासिब हो सके तो आपने कैल्शियम वगैरह भी पानी में मिलाकर दे सकते हैं, क्योंकि अगर आपके बर्ड्स में प्रोटीन या वो कैल्शियम वगैरह की कमी होगी तो वो भी कैल्शियम की वजह से दूर